Hello friends, today we are going to discuss a new topic which is related to science and technology about the in space. Because government has recently announced the formation of the in space. But you see the title of the video is India has its own Elon Musk. Means this body helped to become one day India has a Elon Musk. Your body India ko Elon Musk देगा कैसे लेट्स सी वी आर फ्रॉम थिंक बियॉन्ड नॉइज इंडिया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस का फुल फॉर्म हो गया. अब देखते हैं कि इंडिया हैज इट्स ऑन Elon Musk क्यों कहा गया ऐसा, क्यों यह बॉडी Elon Musk प्रदान करेगा इंडिया को एक दिन, वाई Let's see. Then we back to the main topic in space. Because Elon Musk SpaceX के मालिक है. Elon Musk SpaceX एक private company है जो space से related exploration करती है, research करती है, rocket बनाती है, launch यान बनाती है. Made history on the become the first private company to launch the human being into the International Space Station. पहला ऐसा इतिहास में कंपनी बना है, प्राइवेट कंपनी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रॉकेट भेजा विद द ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट विद द टू ह्यूमन बीइंग रॉबर्ट बेकमैन एंड डॉगलस हार्ले. और यह लंच मेकर स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से मई 31 को वहां पहुंच गया. तो व्हाट इज द पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थोड़ा सा देख लेते हैं. बिकॉज द ISS स्मॉल शॉर्ट फॉर्म है इज अ मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है द लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर ह्यूमन एवर पुट इन द स्पेस. और यह अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर पर ISS है और इसकी स्पीड है 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है. और इसका स्पीड अबाउट 20,000 किलोमीटर पर आवर है. यहां पे यह Elon Musk ने एक प्राइवेट कंपनी ने यूएसए में यह स्टेशन पर भेजा है. दैट्स व्हाई दिस आल्सो द इन स्पेस इज द बॉडी विच अलाउ एंड हेल्प टू द प्राइवेट सेक्टर विथ कोलाबोरेट विथ इसरो एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट रॉकेट लंचयान एंड ETC. तो नाउ बैक टू द टॉपिक. इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, इसके बारे में हम लोग देखते हैं व्हाट इट इज. द गवर्नमेंट हैज अनाउंस द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस. यह क्या करेगा, टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन स्पेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन. अब यह प्राइवेट इंडस्ट्री को अलाउ करेगा तो प्राइवेट इंडस्ट्री इसरो के साथ मिलके कुछ रिसर्च करेंगे. तो एक दिन Elon Musk की तरह प्राइवेट कोई कंपनी हमारे यहां भी कोई इतिहास रचेगा. मेड ए हिस्ट्री एज Elon Musk वाज मेड इन द यूएसए टू सेंड ए ISS टू ह्यूमन बीइंग बाय ऑन लंचयान. इन स्पेस विल प्रोवाइड द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द प्राइवेट कंपनी टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल गाइड देम टू थ्रो इनकरेजिंग पॉलिसीज फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरमेंट. अब तो ये जो है एक सेपरेट वर्टिकल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होगा, क्योंकि इसरो इज द फंक्शन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली फंक्शन अंडर द PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर यह फंक्शन करता है. तो यह एक वर्टिकल होगा जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वर्टिकल होगा यह द इन स्पेस. ठीक, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. इन स्पेस विल हैव इट्स ऑन डायरेक्टोरेट टेक्निकल लीगल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एज वेल एज एक्टिविटी प्रमोशन फॉर असेसिंग द प्राइवेट सेक्टर नीड्स एंड फर्दर कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज. इन स्पेस विल हैव द बोर्ड, इसके पास एक बोर्ड होगा एंड विल हैव द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडस्ट्री एकेडमिया एंड गवर्नमेंट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इन स्पेस.
इन स्पेस के पास अपनी एक डायरेक्टरेट होगी जिसमें टेक्निकल, लीगल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग और उसके पास अपना एक बोर्ड होगा। देन की बेनिफिट, और ये इस बॉडी से इन स्पेस से व्हाट वुड गेट बेनिफिट। द स्पेस सेक्टर कैन प्ले ए मेजर कैटालिटिक रोल इन द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ आवर इंडस्ट्रियल बेस। हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसे जो स्टार्टअप है जो स्पेस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, बट कोई रेगुलेटरी कुछ इस तरह का बॉडी नहीं था जो उन्हें अलाउ करे। नाउ दिस बॉडी इन स्पेस इज द एक्सपेंशन ऑफ आवर इंडस्ट्रियल बेस। द प्रपोज्ड रिफॉर्म विल एनहांस द सोशियो इकोनॉमिक यूज ऑफ स्पेस एसेट एंड एक्टिविटी इंक्लूडिंग थ्रू इंप्रूव्ड एक्सेस ऑफ द स्पेस एसेट्स डाटा फैसिलिटीज। The newly created body, Indian National Space Promotion and Authorization Center, will provide level playing field of the private company to use Indian space infrastructure को use करके the research and development, research करेंगे, कुछ develop करेंगे, then collaborate करके कुछ करेंगे। Public sector enterprises, New Space India Limited, या इसका काम होगा क्या स्पेस इस बॉडी में सप्लाई चेन ड्रिवेन मॉडल, जो डिमांड ड्रिवेन मॉडल, देयर बाय इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स, या सप्लाई ड्रिवेन मॉडल टू डिमांड ड्रिवेन मॉडल में यह काम करेगा। रीओरियंट स्पेस एक्टिविटी, जो भी आपकी सप्लाई होगी, जो भी डिमांड होगी, इसको पूरा करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब NSIL क्या है, या इनकॉर्पोरेटेड इन द, थोड़ा सा देख लेते हैं, मार्च 2029 को, या पूरी तरह फुल्ली सेंट्रल सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड PMO। और यह इसका क्या कहता है, टू स्केल अप इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसका काम है। अब यहां पे यह डिवाइड डिमांड ड्रिवन मॉडल पे काम करेगा। दिस रिफॉर्म विल अलाउ द इसरो फोकस मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन मिशन एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। Some of the planetary exploration mission will also be open to private sector through announcement of opportunity mechanism. This will not only result in accelerated growth of this sector, will enable Indian industry to be the important player in the global space economy. With this, there is an opportunity with a large scale employment in the technology sector and India become a global technology powerhouse. अभी रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट जो ह्यूमन स्पेस में जा रहा, जो रशिया के साथ उसका ट्रेनिंग चल रहा, दैट इज कॉल्ड गगनयान, और चंद्रयान 3 की भी बात चली है, इसमें बहुत सपोर्ट मिलेगा दैट इन स्पेस से। गगनयान, चंद्रयान टू अभी हम लोग भेजे हुए थे, बट उसका रोवर जो है रास्ते में नहीं कर पाया, जो सॉफ्ट लैंडिंग था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, हार्ड लैंडिंग कर पाया। देन वी प्रपोज द इसरो प्रपोज द चंद्रयान 3 एंड गगनयान फर्स्ट ह्यूमन बेस्ड स्पेस, ह्यूमन में स्पेस भेजा जा रहा थ्रू द गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के लिए अभी रशिया से 4 आदमी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसमें ये बहुत मदद करेगा। तो होप दिस इज क्लियर द होल पिक्चर ऑफ द इन स्पेस सेक्टर, क्या करेगा, इसका क्या की हाईलाइट है, और वाई दिस हेडिंग ऑफ दिस वीडियो विद इंडिया हैज इट्स ऑन एलन मस्क। एक दिन एलन मस्क की जगह भी कोई होगा, ABCD जो भी हो, जो यहां भी एक हिस्ट्री मेड करेगा। होप दिस इज क्लियर, देन यू विल एबल टू PT क्वेश्चंस एंड मेन क्वेश्चन रिलेटेड टू इन स्पेस, you will able to answer this. Okay. Now, thank you for watching. I am Anil Kumar Tiwari from the Think Beyond Noise. If you like this video, then the share it, like it, and also subscribe it. Thank you. Have a wonderful day.